है गुरु जी? गुरु जी महाराज, सारी संगत को नमस्कार। आज के दिन गुरु जी महाराज के महा इनायत सदका सानू इस ब्रह्मांड के सब तो पावन स्थान रूहानियत के मरकज गुरु जी के आश्रम तो सत्संग सांझा करन का मौका मिल रहा है। इस नालो वड्डा शुकराना की हो सकता है? गुरु जी का लख लख शुकराना। आई हुई सारी संगत ने नमस्कार, गुरु जी के चरणा विच नमस्कार। साहिब सहाबा आप विचवर्त के आप ही अपना सत्संग करा लें, असी तो इन जोगे नहीं है। गुरु जी महाराज का बुलावा किस तरह आंदा है, वो किस तरह सानू बुलांदे हैं जदो सत्संग करना हुंदा है? क्योंकि सत्संग करना एक बहुत वड्डी महाबख्शिश है। 2021 विच 12 जून नू कुनाल ने मैनू फोन किया, 2020 कुनाल ने मैनू फोन किया, कहिंदे कि आंटी तुसी सत्संग शेयर करोगे गुरु जी के आश्रम प्लेटफॉर्म तो। और उस टाइम पे मेरे दोनों पेरेंट्स फर्स्ट वेव दे विच कोविड होया होया सी, और मैं उस टाइम पे माफी मंगी और ये कह के कि गुरु जी का हुक्म नहीं है। 2021 दे विच 12 जून में मैं सवेरे उठी तो मैनूं पता लग गया कि घर दे विच गुरु जी की एक महा ब्लैसिंग हुई है रात। और मैं जाके जो देखा, एक चीज होंदी है सुनना और एक चीज होंदी है देखना। जो मैं गुरु जी की महा ब्लैसिंग देखी, मैनूं इउं लग्या कि मैं इस ब्लैसिंग दे काबिल नहीं हूं। मैनूं एक होर रीजन चाहिदा सी कि गुरु जी मैनूं आप आके कहन कि ये ब्लैसिंग मेरी ही है, क्योंकि मैं कभी अपने आप नूं उस ब्लैसिंग दे काबिल महसूस नहीं कीता सी। मैं ऊपर अपने कमरे विच आई और गुरु जी नूं आके मत्था टेकिया। गुरु जी ने सानूं समझाया तां सी कि जदों इस तरह हुंदा है वो आप आंदे हैं और अपनी निशानी छड़ के जांदे हैं, पर उस टाइम ते क्योंकि ये लग्या सी कि मेरे इन्ने कर्म किथे, मैं इस गल नूं बिलीव नहीं कर रही सी। मैं अपनी सैटी ते बैठी हुई सी अपने कमरे ते विच ते रो रही सी ते गुरु जी नूं कह रही सी, गुरु जी जे तुसी अज इत्थे मेरे सामने फिजिकली हुंदे ते मैनूं कह देंदे कि तुसी रात आए सी ते मैं इस चीज नूं बिलीव करती, पर क्योंकि तुसी इत्थे नहीं हैगे तुहानूं आप दिखाना पएगा मैनूं कि तुसी इत्थे हो, तुसी आए सी रात। ये कह के मैं गुरु जी नूं कहा, गुरु जी पिछले साल गुरु जी दे आश्रम तो फोन आया सी कि तुसी सत्संग करो, जे हुणे विदिन द नेक्स्ट 5 मिनट्स गुरु जी दे आश्रम तो मैनूं फोन आ जाए कि मैं सत्संग करां, मैनूं ये पता लगेगा कि ये अपार ब्लैसिंग थोड़ी है और मैं इस काबिल हैगी हाँ कि तुसी मेरे ते अपनी मेहरबानी बरसाओ। मैं बैठी ही सी, रो रही सी, एक मिनट मेरे तो वेट होया, एक मिनट तो ज्यादा नहीं होया। मैं अपने मन विच सोचा मैं एक ऑडियो लगाऊंगी, आई विल गो इनटू अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, ते मैं गुरु जी नू उस रिलैक्सेशन मेडिटेशन दे विच कॉन्टैक्ट करूंगी और उत्थों बैठ के दिल दियां गल्लां गुरु जी दे नाल करूंगी। मैं वो ऑडियो ऑन कीती और मैं अपने बेड ते लेट गई। जितना ही मैं वो ऑडियो ऑन कीती, एक अननोन नंबर तो फोन आंदा है। मैं वो फोन चुकदी हां, कहिंदे जय गुरु जी आंटी, मैं कुनाल बोल रहा हूं बड़े मंदिर से, हम चाहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। सो विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी ज्यादा होने,
मेरे को कुनाल का नंबर कोई सेव नहीं सी और मैं याद भी नहीं सी कि उन्हों का नाम कुनाल है। बट ये साडे गुरु जी महाराज है, घड़ी विच सुनते हैं, घड़ी विच जवाब देंदे हैं, घड़ी विच थोड़े पिछे खड़े होंगे ते घड़ी विच थोड़ा हाथ फड़ के नाल खड़े होंगे हैं। और इस बारी कुछ दिन पहला दी ही गल है, मैं गुरु जी नूं कह रही सी गुरु जी डुगरी मंदिर आना है, पर कोई सबब यह जहा बन ही नहीं सी रहा कि डुगरी मंदिर का कोई प्रोग्राम बने अज के दिहाड़े। और मैं कह रही सी गुरु जी संगत विच कोई मौका यह जहा दो कि संगत नाल अपना इस टाइम से कुछ शेयर किया जाए, भावे डुगरी मंदिर लै जाओ भावे कितने सत्संग करा दो। और ये किनू पता सी कि कुनाल का फिर फोन आया, आंटी तुसी 30 तरीक नू सत्संग करोगे? हाँ जी कुनाल, जो गुरु जी का हुक्म। 30 तरीक की कमिटमेंट होगी। अगले दिन फोन आया, आंटी तुसी 31 तरीक नू सत्संग करोगे? जय गुरु जी, गुरु जी का जो हुक्म पल पल सुनते हैं, इन्नी नेड़े होके सुनते हैं। और जिहड़े लोकी जिन्हां दे कर्म चंगे आ उन्हां दी ते सुनते हैं, साडे वर्गे पत्तां दी भी सुनते हैं। जूम प्लेटफॉर्म शुरू होए हैं, इस तो इन्नी संगत ते जिहड़ी गुरु जी की महा इनायत हुई है वो पता लगती है। और असी जो सत्संग सुनते हैं सानू यही पता लगता है कि कोई भी संगत यह जी गुरु जी की नहीं हैगी जिदे ते गुरु जी ने इनायत नहीं की, जिन्हों गुरु जी ने प्यार नहीं किया, जिन्हों गुरु जी ने घट किया है, या किसी नू ए लग्या होए कि गुरु जी ने अपना आपा उन्हां ते नहीं वार दिता, गुरु जी ने इन्ना प्यार किया है। जे कोई ए कहे कि कोई भी संगत अज गुरु जी की जिन्ना संगत परिवार है उहदे कोई कैजुअल संगत है, मैं बिल्कुल इस गल नू मनन नू तैयार नहीं हाँ कि कोई भी किसी भी संगत नू असी कैजुअल कह सकते हैं, बिकॉज हर संगत ते जदों असी देखिए महा इनायत है गुरु जी दी। गुरु जी दी संगत दे उत्ते इन्नी मेहर वसदी है कि जे असी डुबे भी होइए तां गुरु जी सानू फड़ के तार लैंदे हैं। और जिहड़े पतित सर मेरे वर्गे हुंदे हैं उन्हां नूं तां गुरु जी खास स्पेशल चाइल्ड वांगू चुक के लैके आंदे हैं बाहर। सो एक टाइम सी जदों असी एक किते किते कुछ सत्संग सुनिया करते सी और उस सत्संग सुन के असी ये कहंदे सी अच्छा जी उन्हां दा तां असी कदे सत्संग सुनिया नहीं। जदों असी गुरु जी दी मेहर बारे सुनदे सी सानूं इदां लगदा सी कि ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਪਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ सब तो पहला लेटेस्ट सत्संग तो शुरू करूंगी। दो इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सत्संग, पर बिकॉज ए गुरु जी की महा इनायत है मेरे टब्बर ते साड़ी फैमिली ते, मैं इत्थों ही शुरू करूंगी। मेरे फादर साहब बहुत बीमार सी अक्टूबर तो, उन्होंने काफी कॉम्प्लीकेशन सीगिया, ही वॉज इन द वेंटिलेटर घर सीगे, असी उन्होंने उन्होंने एक स्पेशल यूनिट क्रिएट किया होया सी घर विच। और वो इन्ने ज्यादा बीमार हो गए कि एक स्टेज यह जी आई कि उन्होंने सफर करते देखना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन मैं मामा ने गुरु जी का लॉकेट देख के आई, मेरे डैडी बहुत पाठ पूजा करते हैं करते सी और असि उन्होंने संत मानते सी। एक हुंदा पाठ पूजा करनी एज एक गृहस्थी बन के पाठ पूजा करनी, एक हुंदा भगति करनी भगत बन के। सो डैडी ने भगति भगत बन के कीती और उन्होंने सफर करते देखना बहुत मुश्किल लग्या। मैं एक दिन मामा को गुरु जी का लॉकेट लेके गई तो मैं मामा नु कहा डैडी दे पिलो दे विच रख दिने आ। जिस दिन तो असी गुरु जी का लॉकेट डैडी दे पिलो दे नीचे रख्या, डैडी इस तरह
ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਲਾਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 5:30 ਵਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਏਦਾਂ ਸਵਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੈਨੀ, ਉਹਦੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡੈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਡੈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੀ ਸਟੈਂਡਸ ਬਾਏ ਹਿਸ ਵਰਡ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਹਿਮ ਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੀ ਯੋਰ ਮਦਰ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ
कोई ज्यादा इंटरैक्शन हम लोग का नाल रखते हैं। मैंने कोई उम्मीद नहीं सी कि वो आएंगे। डैडी शाम नो उन्हानु लेके घर आ गए। ज्यों ही घर आए वो आके ड्राइंग रूम च बैठे। डैडी ने उन्हानु अपनी तरह समझाया। उन्हानु समझ आ गई कि डैडी की कह रहे हैं कि मैनू की प्रॉब्लम है। उन्होंने मामा नु कहा कि तुसी कोई फ्रूट लेके आओ जेड़ा घर च हैगा। मामा एक एप्पल की टोकरी लेके आ गए। उन्होंने एक एप्पल हाथ च फड़िया। कदी उन्हें एक हाथ च कदी उन्हें दूजे हाथ च कदी उन्हें एक हाथ च कदी उन्हें दूजे हाथ च। पांच मिनट बाद मेरे एप्पल मेरी चोली विच पा दिता। ते मैनू कहंदे हुण इह खा लई ते पूरा खाई ते चंगी तरह खाई। होगा मुंडा होगा काला पर मारना नहीं है ते गुस्सा नहीं करना उन्हें। बहुत स्पेशल सोल है। असि उन्हें संतान भोले साध कहते। मेडिकली स्पीकिंग जो मेरी कंडीशन सी वो यह जी सी कि आफ्टर 20 वीक्स मेरे ऑटोमैटिकली मिसकैरेज हो जाना चाहिए सी। मैं अपने मन दे विच बहुत डरी हुई सी। प्रसाद मैं खा लिया। मैं अपने मन विच बहुत डरी हुई सी। ए होनी है कोई मिडल ऑफ ऑगस्ट की गल। मैं 30 अगस्त नू अपना टेस्ट कीता 30th अगस्त एंड आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज पॉजिटिव। उस तो बाद पॉजिटिव तो मैं हो गई पर मन दे विच इतना डर कि ठीक है एक बारी तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया पर मैनू ये पता है कि 20 हफ्तों बाद आफ्टर 5 मंथ्स दिस चाइल्ड विल बी ऑटोमैटिकली मिसकैरेज। बहुत डर मन दे विच। जितना ही मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी जी प्रोग्रेस हुई मैनू एक ख्वाब आना शुरू होंदा है जो गुरु जी की टेलीपैथी है। उहदे विच मैनू आवाज आती है गुरु जी की। वो मेरी अख मैनू ही मेरी अख खोल के दिखाते हैं और ये कहते हैं ये तेनों वह सिल्वर तार नजर आ रही है। और मैं कहनी हाँ हां जी गुरु जी। मैनू कहते तेरा बच्चा ये नाल जुड़िया होया ये तेरे नाल नहीं जुड़िया। इस तार दे थ्रू उन्हें इस दुनिया दे विच आना है। उन्हें तेरे थ्रू इस दुनिया विच नहीं आना। और ये ड्रीम मैनू हर रात आंदा हुंदा सी। हर रात मैनू ये हुक्म सी उन्हां संतां दा कि मैं रहिरा साहब दा पाठ करके सोवां। और मैं रहिरा साहब दा पाठ करदी सी। पाठ कर दिया जो ही मेरी अख लगनी मैनू एक ख्वाब आना और मैनू इन्ना हौसला होना और मैं सुन जाना शुक्राना गुरु जी। माय प्रेगनेंसी वेंट ऑन ऑफ वेरी वेल। बेड रेस्ट दा सी प्रिकॉशनरी सब कुछ सीगा पर गुरु महाराज की महा इनायत का सदका माय सन वाज बोर्न इन मे ऑन द 18th ऑफ मे अ हेल्थी हैप्पी चाइल्ड। सो ये गुरु जी ने मेरी इस गल की पुष्टि उस दिन की थी जो मैं गुरु जी को फर्स्ट डे मिली सी। गुरु जी कहते सी कि जो असी गुरु नू पुकारते हैं जो असी मुसीबत छूंदे हैं तो जो असी गुरु भगत होंगे तो सुनते साड़ी सिर्फ गुरु जी ही है क्योंकि असी गुरु भगत हाँ। जिस तरह जो असी फोन लगाने हैं कोई भी फोन मैं किसी भी नंबर से लगाऊंगी वो बजेगा गुरु जी के कोल जाके ही। सेकंड टाइम जब मेरी बेटी बॉर्न हुई है आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स असी अपना सेकंड चाइल्ड प्लान किया। फिर कॉम्प्लिकेशन हुई 2-3 महीने मगरों फिर इन्नी कॉम्प्लिकेशन हो गई प्लासेंटा डिटैच हो गया। डॉक्टर ने स्कैन किया। स्कैन करके कहती कि बेबी की फीटल हार्ट खत्म है और जेड़ी ग्रोथ है वो 2 हफ्ते पिछे चली गई है। सो मैंने कहती कि आप परसों डीएनसी कर देंगे ताकि अबॉर्शन जो कि अबॉर्शन होंगे कि अबॉर्शन कर देंगे। तो अगले दिन
गुरपुरब से कहते अस कल नही करा गे क्योंकि कल शायद ब्लड नहीं मिलेगा कोई ब्लड की प्रॉब्लम सी और कहते बैकअप एमरजेंसी ब्लड होना चाहिए है। सो इस करके असि परसों करा गे। मैं मामा डैडी को शाम को गई हुई सी। मामा डैडी का घर एक एह जी रोड से है जिथे जिथो नगर कीर्तन लंघता है। सो नगर कीर्तन लंघ रहा सी और मैं रो रही सी, थोबा मार मार के रो रही सी, गुरु जी ने याद कर रही सी और यही कह रही सी कि वाई मी, वाई डिड यू चूज मी, या तो दें ही ना, जे दे रहे हो, जे दे रहे सी तो वाई डू आई हैव टू गो थ्रू दिस। मत्था टेकिया डैडी कहते मत्था टेक लो, मत्था टेकिया प्रसाद लिया महाराज की सवारी में। जो मत्था टेकिया प्रसाद उन्होंने दिता, प्रसाद लैके अंदर आई। अगले दिन गुरपुरब से, उस तो अगले दिन जो मैं डीएनसी ले गई, जो उन्हें स्कैन किया सब कुछ नॉर्मल सी, प्लेसेंटा हैड अटैच्ड, मुझे भी ग्रोथ दो हफ्ते पीछे गई सी वो नॉर्मल सी। और जेड़ा वो कह रहे थे कि फीटल हार्ट नहीं है, फीटल हार्ट उस नॉर्मल। सो ये साडे गुरु जी कि जो तो सानू पता भी नहीं सी कि उस साडी जिंदगी दे विच फिजिकली हैगे है कि नहीं हैगे, उस टाइम ते भी उन्होंने आके सानू इन्निया अपार और इन्निया महान बख्शिशां कीतियां, सानू डुबद होया उतारिया उस टाइम ते आके। अक्सर सत्संग मैं करांगे जो मैं गुरु जी नू मिली उस तो कुछ ही देर मगरों मैं सोचा कि मैं गुरु बच्चों नू गुरु जी नू मिला के लेके आना है। मैं एक दिन उस टाइम ते पता लग गया कि गुरु जी नहीं मिल रहे, एम्पायर एस्टेट विच दर्शन नहीं दे रहे। कुछ देर लिए गुरु जी इस तरह करते होंगे सी कि वो दर्शन नहीं देंदे होंगे सी। पता नहीं मन दे विच की आई, वो भी गुरु जी ही पांदे हैं। बस यूं होया कि जे कल नू मैं एम्पायर एस्टेट बच्चों नू लेके नहीं पहुंचूंगी तो पता नहीं की हो जाएगा। राती मैं अपने हस्बैंड ने कहा कि कल मैं बच्चों नू लेके गुरु जी को जा रही हूँ और मैं परसों नू वापस आ जाऊंगी, बुकिंग्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया। मेरे हस्बैंड मैंने कहते कि तू इन्हें इदा ही तंग कर रही है, जो पता है कि गुरु जी नहीं मिल रहे तो तू क्यों जा रही है। पर पता नहीं मेरे मन में विश्वास थे कि जो मैं जाऊंगी गुरु जी मैनु जरूर मिलेंगे। बच्चे तो उन्होंने बहुत छोटे से, मैं दोनों लैके चली गई। असि चंडीगढ़ तो दिल्ली इस तरह महसूस होया इदा पहुंची जिवें हवाई जहाज से पहुंचे होंगे। ड्राइवर मैनु पूछे की टाइम हो गया तो मैं ड्राइवर नु पूछा की टाइम हो गया। तुसी मैनु संगत जी असि डेढ़ तो दो घंटिया के अंदर इदा लगे जिवें असि उस रियालिटी च पहुंच गए जिथे टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं है। हवा विच उड़ते उड़ाते मैनू नहीं समझ आए कि असि केड़े वेले एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जो असि जाके मत्था टेकिया बाहर गेट थे, घंटी बजाई, पता किया कि गुरु जी हैगे हैं, मिलेंगे, दर्शन देंगे। जेडे बाहर अटेंडेंट आए उन्होंने ये गल कही कि गुरु जी नहीं दर्शन दे रहे, गुरु जी नहीं हैगे इत्थे। पता भी सी कि गुरु जी नहीं दर्शन दे रहे पर मन बहुत उदास हो गया। इन्ना उदास होया कि बच्चे भी एक बार उदासी बिल्कुल जिदा चुप चुप कर गए, बिल्कुल समझ ना आवे कि करिए। गड्डी च बैठे रहने दिल नहीं किया, दिल्ली च वापस आ गए। वापस आके घर बहुत रोए असी सारे, बच्चे छोटे सीगे पर गुरु जी नाल फिर भी इन्नी अटैचमेंट सी, असी बहुत रोए। दो हफ्ते मगरों एक मैसेज आंदा किसी दे थ्रू कि फलानी तरीक नूं डिग्री दे विच विआह है, गुरु जी ने बुलाया ते उन्होंने कहा है कि बच्चों नूं लैके तू जरूर पहुंचना।
हम उस टाइम ते ये दिमाग ते विच बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं किया कि गुरु जी जानी जान है। जितना थानू सारी पुरानी संगत दसेगी कि ये तो पता सी कि गुरु जी महापुरुष है, पर ये नहीं सी पता कि गुरु जी रब है। ये स्ट्राइक नहीं किया, ये यही सोचिया कि ये एक कोई कोइंसिडेंस है कि इस कोइंसिडेंस के थ्रू सानू ऐदां लग रहा है कि गुरु जी ने सानू बुलाया, असीं थोड़े दिन पहला मिलन गए सी, अज गुरु जी ने सानू बुला लिया। खैर असीं डुगरी पहुंचे, ब्रेकफास्ट चल रहा सी उत्थे जिथे गया सीगा, असीं ब्रेकफास्ट किया, खबर आई गुरु जी पहुंच गए हैं अपने आसन के विराजमान है, जाके गुरु जी ने मत्था टेकिया। बहुत ज्यादा संगत से तुसी वीडियोस भी देखी होंगी, जो जाके बैठे गुरु जी ने मेरा इन्नी संगत होने के बावजूद उन्हां दियां अखां ने मैनू लब लिया। उन्होंने की लब लिया, उन्होंने तो पता ही सी कि मैं किथे बैठी हाँ, तो मैनू इशारा करके बुलाया। तो साडे नाल इक होर साडे नेबर्स तो कोई गए सी, मैं उन्होंने कोई बच्चों उन्होंने छड़ के गुरु जी को लाई, दोबारा मत्था टेकिया। गुरु जी कहते फिर बच्चे औखे तो नहीं हुए, देखिया कि मैं हवाई जहाज तेन बचाया। जय गुरु जी, I had tears in my eyes and only I could just bow to गुरु जी and say thank you गुरु जी। मैंने कहते चलो उत्ते चल के बैठो दरबार हॉल दे विच। उत्थे बहुत संगत सी, बच्चों ने लैके डुगरी जिथे हम उपर दरबार हॉल है, जिस पासे नू हुण आसन है जिस तरफ, उस तरफ नहीं उस तो दूसरे पासे आसन हुंदा सी, मैं उत्थे चली गई। असी उत्थे जाके बैठ के गुरु जी अपने आसन ते आके विराजमान हुए। जदों उत्थे सारा कारज निबेड़ के आए ते आके मैनू गुरु जी ने इस कदर विशेषता दिती, जो तो गुरु विशेषता देंदे हैं ते इन्ना अच्छा लगता है, क्योंकि थोनू लगता है कि तुसी तो सिर्फ गुरु वाल एक कदम ही तुरे सी, पर गुरु ने थोड़े वाल किन्ने कदम थोड़े वाल चुके हैं। गुरु वास्ते विशेषता होवे और सुर तुच्छी होवे, इस नालों ज्यादा होर कुछ नहीं चाहिदा। घर बार त्यागन की लोड़ नहीं है, सानू सानू किस कोई चीज छड़न की लोड़ नहीं है। गुरु जी कहिंदे तुसी थोड़ी जी मैनूं विशेषता दो अपनी लाइफ दे विच, तुसी अपनी सुरत उच्ची चुक के रखो और मैं थोड़े नाल खड़ा, मैं सौ कदम थोड़े वल तुर के आवांगा। सतगुर चरण शरण गुरु एक पैंदा चाल चल, चरण शरण गुरु एक पैंदा जाए चल, सतगुर कोट पैंदा आगे हो लेते हैं, बानी ते लफज है। गुरु प्रेम कभी मान ते वडियाई विच, ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस, ही जस्ट वांट्स अ लिटिल बिट ऑफ लव। और जदों ही असीं उन्हां नूं विशेषता देने आ, उह प्रेम देने आ, अपनी जिंदगी च उन्होंने दर्जा देने हैं, तो गुरु जी बहुत अग्गे होके मिलते हैं। गुरु जी का हुक्म सी कि मैनू तो 5 दिन आना है, सवेरे आएंगी शाम को जाएंगी। और संगत जी उस टाइम दे विच जो गुरु जी ने मैनू एक्सपीरियंसेस दिते, सारा टाइम गुरु जी ने मैनू अपने अपनी सेवा दिती, चरण दबाण दी, मोढे दबाण दी, पैर दबाण दी, सिर दबाण दी। और गुरु जी ने कहना होर जोर दी, होर जोर दी, होर जोर दी। और मेरी जो दिन खत्म होना ते मैं जान लगना घर, मेरी बॉडी के विच इन्नी पेन होनी और घर जाके नींद ना आनी, क्योंकि इन्नी पेन होंगी सी। गुरु जी ने सवेर तो लैके शाम तक अपनी सेवा मेरे तो करानी, और उस टाइम के विच गुरु जी ने विशेषकर इन्ना प्यार दिता, कदी मां बन के नर्चरिंग मां वांगू, कदे बाप बन के, कदे
गुरु जी एक फ्रेंड बन जाते सी, कोई कदे गुरु जी बच्चा वांगू प्लेफुल हो जाते सी। गुरु जी ने अपने इन्ने रूप दिखाए उस टाइम दे विच मैनू। और कई बार मैं आज बैठ के सोचती हाँ कि साड़ी सब की जर्नी गुरु जी नाल बहुत लंबी है, पर जे ओ पंज दिनां दी बख्शिश मेरे ते गुरु जी की महा इनायत ना हुई होंगी, I don't know whether I would have known my guru the way I know him today. मैं जिन्हें रूपों दे विच गुरु जी नूं उन्हां पंज दिनां दे विच देखिया है, मैनूं नहीं लगता कि मैं उन्हां रूपों दे विच गुरु जी नूं कदे भी देख सकती। और वो सिर्फ गुरु जी नूं अपनी लाइफ विच जदों असीं धार लैंदे आ, जदों असीं गुरु जी लई एक स्पॉट क्रिएट करते अपनी लाइफ दे विच, जदों असीं उन्हां नूं विशेषता दिंदे आ, गुरु जी अगे हो के मिलदे आ, अगला सत्संग बताते हुए जदों मैं गुरु जी नूं फेस टाइम मिली हाँ, गुरु जी ने मैनू ये गल कही कि मेडिटेशन नहीं करनी। सो मैं थोड़ा जहा बैकग्राउंड बड़ी क्विकली देंगी कि मैं गुरु जी को बेसिकली स्पिरिचुअल रीजन करके गई सी। मैं रूहानी तस्कीन दी बहुत दुखी सी, मैनू ये रस्ता बहुत मन भाता सी और मैनू लगता सी कि कोई जुगत यह जी बनेगी मैनू गुरु मिले और मैं इस रस्ते ते सीधी तुर सका कि मेरी जिंदगी का घोड़ा सीधा चले और मैं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सका। सो जो मैं गुरु जी को गई तो मैनू ये उम्मीद सी कि गुरु जी मैनू ब्लैसिंग देंगे और फटाफट मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होएगी। पर जिस रात मैं फर्स्ट डे गुरु जी नूं जाके मिली हाँ, उस रात असी ऑलमोस्ट मेरी सवेरे 5 बजे छुट्टी हुई है। गुरु जी आई हैड द प्रिविलेज ऑफ ऑडियंस विद गुरु जी। गुरु जी बैठते बैठे सी, मैं नीचे बैठी हुई सी और गुरु जी की कुछ लीला एह जी होंगी है कि कुछ गल्लां तो थोनू बहुत याद होंदियां उस टाइम दियां और कुछ गल्लां गुरु जी बिल्कुल ब्लैंक कर देंदे हैं। क्योंकि कई बार मैं ये सोचती हाँ कि मैं इन्नी देर गुरु जी को बैठी रही, मैं कोशिश करा, मैं याद करा, मैं होर की गल्लां कीतियां गुरु जी ने, होर मैनू की कुछ दिखाया, होर मेरे ते कीहड़ियां ब्लैसिंग्स उस रात होईयां, पर कुछ गल्लां मैनू याद है, कुछ गल्लां मैं बिल्कुल ब्लैंक है उन्हां बारे। पर एक गल जिहड़ी मैनू याद है वो ये है कि गुरु जी ने कहा सी कि मेडिटेशन नहीं करनी। हुण गई तां मैं ये सोच के सी कि गुरु जी मैनू हैल्प करनगे, मैनू कहणगे कि तेरे ते बख्शिश हो गई, उहनां दी बख्शिश दे नाल मेरी मेडिटेशन प्रोग्रेस करेगी। पर जदों गुरु जी ने यह कह दिता, मैं उहनां दा कहा मन्निया, बिकॉज गुरु जी एक इहो जी पावर है कि यह हो ही नहीं सकता कि असीं उहनां दी चरण शरण च बैठे होईए और उहनां दा हुक्म हजूरी कर दईए। जो गुरु जी कहिंदे सी कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲੈਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਟਿਡ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 99 ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਏਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ
दिन मैं अपने बेड पे आके लेटी, डॉक्टर तो वापस आई, आके मैं अपने बेड पे लेटी। जो ही बेड पे लेटती हूँ उसी टाइम मैंने अपनी लेफ्ट आई दे विच साइड तो कोनर तो एक इमेज, एक फेस दिखाई देता है। वो फेस मैं कदे नहीं देखा। उन्होंने कुछ येलो पाया होया, वो दा कॉलर मैंने दिखाई दे रहा, और उन्होंने रेड स्कार्फ सिर पे बनिया होया और बहुत वड्डी स्माइल है, रियली ट्रूली स्माइल। गम्स नजर आ रहे हैं, पूरे दंत नजर आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। सो थोड़ा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने करके मैनु ये रियलाइजेशन हो गई कि जे मैं अखां घुमा के देखूंगी तो वह मैनु नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जेडी थोड़ी कॉर्नर विजन होंगी, जेडी थोड़ी पेरिफेरल विजन होंगी है अख की, वो ज्यादा सेंसिटिव होंगी है टू डिवाइन सेलेस्टियल एनर्जीज, नू ज्यादा सेंसिटिव होंगी है। इस करके कई बार थोड़ा इदा लगता है थोड़े साइड तो कोई लंघ के गया है, और जो तुम घूम के देखते हो नजर नहीं आते, क्योंकि जिहड़ी कॉर्नर हुंदा वो ज्यादा सेंसिटिव हुंदा। सो मैं घूम के नहीं देखा, पर मैं वो विजन देखती रही। तो विजन बहुत देर रही, और ये जिहड़े गुरु जी के एक्सपीरियंसिस हुंदे हैं इन्हां दे विच तुसीं एक गल नोटिस कीती होएगी, जदों गुरु जी एक्सपीरियंसिस दिंदे हैं एक पैरेलल रियालिटी शुरू हो जाती है। उत्थे कोई टाइम दे माने नहीं रहिंदे, थानू ए नहीं पता लगता कि किन्ना टाइम हो गया, थानू ए नहीं समझ आती कि तुसी कदों शुरू हुए सी, एक्सपीरियंस किधर नू जा रहा है ते की हो रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक दूसरे रियालिटी दे विच हो रहा है, जिथे ना कोई टाइम है, ना कोई जमीन है, ना कोई आसमान है। और ये पता थानू उस टाइम ते कि गुरु जी का कोई कौतक चल रहा है, पर यह नहीं समझ आती कि इनू हुण कंट्रोल विच किवें लैना है, वो अपनी गति पे ही चल रहा होंगे। सो वो इमेज किन्नी देर रही मैनु नहीं पता, सडनली मैनु सामने एक इमेज आती है उपरों, जो रूफ आती है सीलिंग आके बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो जाती है, और जीसस क्राइस्ट है। और जीसस क्राइस्ट ऐदा नहीं लगते जिस तरह वो अज फोटो च लगते हैं, वो बड़े डिफरेंट लगते हैं। तो फिर रियलिटी कितनी देर चलती रही कोई खबर नहीं मैं। खैर अगले दिन मेरी क्लास थी, मैं क्लास विच गई, एक लड़की शिरडी गई हुई सी, वो वापस आई, उन्हें आके मैंने क्या कहती, मैं थोड़े लिए एक एल्बम लेके आई हूँ शिरडी साल की। जितने उन्हें वो एल्बम मेरे हाथ विच फड़ाई, उसके उत्ते उस सेम फोटो जिहड़ी विजन मेरी सी, जिहड़ी मैंने अख के कोने तो नजर आ रही सी, वो सीन उस एल्बम के फोटो के उपर सी। बेसिकली मैं एक सिख फैमिली के विच बोर्न हुई सी, मैं कदे होर किसी पासे झाकिया ही नहीं सी, होर मैनू पता ही नहीं सी कि ये साई बाबा है या आ फलाने माता है या आ ऐसा है। मैनू किसी बारे कुछ ज्यादा नहीं सी पता, सिर्फ गणेश जी बारे, शिव जी बारे पता सी, इसलिए ज्यादा कुछ मैं पता नहीं सी। उस दिन पहले दिन मैंने पता लग्या जो उन्हें मैंने एल्बम फड़ाई की साई बाबा, उस एल्बम की जी टॉप फोटो सी और वो जी मेरी विजन फोटो सी, वो सेम सी। सो मैं उन्हें जो एल्बम नू कढ़िया, एल्बम चो फोटो कढ़ी, तो उहदे विचों रोज पेटल्स गिरिया। यह तो पता लग गया, यह बहुत एहसास हो गया उस टाइम पे कि यह गुरु जी कोई कौतक वरता रहे हैं। तो एक ही वर्तारा हो रहा है, कुछ नहीं पता। मैं कुड़ियों ने पूछा क्लास दे विच, मैं क्या किसी नू पता है कि इत्थे इन्हां दा कोई मंदिर शिरडी मंदिर हैगा? वो कहंदे हां जी हैगा, फलाने सैक्टर च है। दो कुड़ियां नू नाल लैके, बीमार ही सी, मैं उत्थे चली गई। फिर जो ही जाके असीं गड्डी पार्क कीती, अंदर वड़े, अंदर वड़ते हैं सार उन्हां दा जोड़ा घर नवा बन रहा सी, जिथे तुसीं अपने जूते उतार दे। जिवें मैं अंदर वड़ी हाँ, उत नवी नवी प्लस्तर कीती हुई वॉल सी, न्यूली प्लास्टर्ड, हजे गिल्ली ही सी,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਓ ਸੰਦੀਪ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈ ਰੀਅਲ ਨੇਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੇ ਉਪਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੋਕੇਡ, ਜਦੋਂ ਬਰੋਕੇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੈਚੁਰ। ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਮਾਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਸਿਤਾਰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦਊਂਗੀ, ਪਰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਕਰਦੇ 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 ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਪਰੇਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि either you leave your job or you get fired. So गुरु जी कहते हैं या तो तुसी आप छड़ दो या मैं छड़ा दूंगा. So आप तो मेरे तो छड़ी जा नहीं सी रही. गुरु जी ने आपे ही मेडिटेशन छड़ा दी. इतनी बीमार हो गई. उस बीमारी के दौरान गुरु जी ने मेनु ये गल कही सी कि हजे दिल्ली नहीं आना, क्योंकि गुरु जी जो सदे कर्म कटाते सी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस टाइम ते गुरु जी थोड़ा जे अपने आप तो दूर कर देंगे सी, क्योंकि गुरु जी ये कहते सी कि जे तुसी मेरे को आ जाते हो उस टाइम ते तुसदे वो भी कर्म कट्टे जाते हैं, पर कुछ थोड़े लिए बहुत कुछ चीजा थोड़े लिए थोड़ी सोल लिए बड़ी जरूरी है, उसे पॉलिश होने लिए वो बहुत असेंशियल है कि तुसी उन्हें एक्सपीरियंसिस के थ्रू जाओ. सो थोड़ा उस टाइम ते आना बंद होता सी. 8 महीने हो गए मेरा बुखार ना जाए. अखीर दे विच मैं गुरु हुक्म दी उलंघना करके मैं दिल्ली पहुंची. जाके गुरु जी नूं मत्था टेक के साइड तो ही कोने दे विच जाके कैबिनेट दे कोल बैठ गई. इन सोच के कि गुरु जी नूं शायद पता नहीं लगेगा. गुरु जी तो जानी जान है, पता तो उन्होंने पहला भी सी, और उन्होंने मर्जी तो बगैर मैं एम्पायर स्टेट पहुंच भी नहीं सकती सी. उन्हों वालों इशारा होया होना मैं ताही इन्नी दूर पहुंची, ताही मैं मंदिर विच वर सकी और ताही मैं उन्होंने मत्था टेक के साइड ते बैठ सकी. जिन्हें ही लंगर खत्म होया गुरु जी अपने हाथ नाल प्रसाद दे रहे सी. कड़ा प्रसाद गुरु जी ने, मैं जो तो जाके गुरु जी ने मत्था टेकिया, चोली की प्रसाद लैन ली. गुरु जी ने मेरे वाल देखिया और मैं जोर दिखा, पहली बारी आए हो? फिर उसके बाद कहते जाओ छुट्टी कर दी तुम्हारी. और मेरा रोना निकल गया, कुछ नहीं बोल सके. बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिता बाहर जाके कि शायद गुरु जी ने मैंने पहचानिया नहीं है. 8 महीने च मेरा गुरु मैंने भूल गया. पर वही उतारा अज कनेक्ट होंगी कि गुरु जी मैनु नहीं कह रहे थे कि पहली बार ही आए हो, जाओ अब छुट्टी कर दी तुम्हारी. गुरु जी उस बीमारी नूं कह रहे सी, उस ग्रह नूं कह रहे सी, या जो भी चीज जो मेरे ते भारी सी उस टाइम ते, वो उस नूं कह रहे सी कि जाओ छुट्टी कर दी तुम्हारी. सो गुरु जी दे नाल जिहड़ी साडी लाइफ है, जिहड़ी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग वाली लाइफ है. गुरु जी के नाल साडे एवरीडे एक्सपीरियंसिस जिहड़े आ, असीं इन्हां नूं आइसोलेशन विच ब्लैसिंग्स भी देख सकते हैं, पर जो असीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्हां ब्लैसिंग्स नूं कनैक्ट करते हैं, तां गुरु जी सानूं साडी ही लाइफ बारे एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग दिंदे आ. हौली हौली करके इट रीच इज फ्रूशन. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, 25-25 साल, 30-30 साल, जिहड़े उस टाइम पे सानू नहीं पता सी कि ये सत्संग है, अज वो सत्संग है. कि एक वारी दी गल है कि मैं आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी. सो मैं हीलिंग करती हुंदी सी, हीलिंग सीखती हुंदी सी, कई मास्टर्स डिग्रीज कीतियां हुईयां सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीलिंग्स से, और कितनी भी हीलिंग होंगी सी, हीलिंग सीखने का मौका होंगा सी, बड़ी भुख होंगी सी कि जाके सीख लो, वर्कशॉप कराओ. मैं अपने हस्बैंड को पता नहीं कितने कितने दुनिया के विच घुमाया होया है, तो अब देख हिम कि तुसी मेरे नाल चलो, बिकॉज कई जगह तो तुसी कल्ले नहीं जा सकते. एक बार इधर ही बॉम्बे के विच एक वर्कशॉप सी, और मैं अपने हस्बैंड को कहा कि मैं उठे जाना. कुदरती टाइम कुछ अह जहा सी कि उस तो पिछले साल बॉम्बे दे विच कोई ब्लास्ट हुए सी, उन्हें दे उस ब्लास्ट का फर्स्ट ईयर फर्स्ट एनिवर्सरी सी उदो उस दिन. मेरे हस्बैंड ने मैनू ये गल कही कि आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया तुसी ना जाओ, बिकॉज सारे कह रहे हैं कि बॉम्बे इज गोइंग टू बी वेरी टेंस और बॉम्बे बंद कॉल होया हुआ है. पर सवेरे जाना सी, शाम नू वापस आ जाना सी. मैंने उस सिचुएशन दी ग्रेविटी इन्नी उस टाइम ते रियलाइज नहीं हुई, ते मैं क्या कि नहीं, मैं साइन अप कीता होया हुण इस वर्कशॉप लई ते मैं जरूर जाना.
ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਬੰਬੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੂਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੂਵਡ ਟੂ ਬੰਬੇ, ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਓਵਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟੋਕ ਟੂ, ਦੇ ਫਾਈਨ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟੋਕ ਟੂ, ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਟੋਕ ਟੂ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟੋਕ ਟੂ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਰ ਲੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਬੰਬੇ ਵਾਸ ਈਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦਿਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਟਰੂਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਮੀ ਐਟ ਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸੇ ਤੋ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਧੂਪ ਪੱਤੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਮੀ, ਆਈਵ ਜਸਟ ਐਂਟਰਡ ਦ ਡੋਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਆਪ ਸੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕੀ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਸੇ ਆਪ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਫ ਪੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਨੋਰਮਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਵਾਟ ਪਰਫਿਊਮ ਆਰ ਯੂ ਵੇਅਰਿੰਗ, ਬਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਪਟ ਸੇਇੰਗ ਆਪ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਮਾਰੇ ਗਲੇ ਮੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਓਵਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜ ਕੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਸੀਨ, ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸਿੱਟ ਦੇਅਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਟਸ ਮੀ ਕਰਾਏ, ਹੀ ਗਿਵਸ ਮੀ ਦ ਸੋਲਸ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਰੋ ਲੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੰਦੀਪ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੰਦੀਪ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੰਦੀਪ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਸੰਦੀਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਲੁਕਡ ਐਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਫਡ ਐਂਡ ਆਈ ਕ੍ਰਾਈਡ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੇਵ ਮੀ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲ
यानी से चल बह गए थे गांधी जी, वो ही जानती है। सो दिस वॉज माई संदीप सत्संग। एंड वन लास्ट सत्संग दैट आई विल अगेन डू विच इज विच जस्ट सॉर्ट ऑफ टाइज इन विद दिस। टाइम हो रहा है बट आई विल जस्ट टेक अ लिटिल टाइम। जो गुरु जी ने चोला छड़िया उस तो बाद मैं 2009 दे विच मैं ऑस्ट्रेलिया सी। मैं 2009 दे विच ऑस्ट्रेलिया तो वापस आई, बड़े मंदिर गई, 2010 च आई बड़े मंदिर गई। और उस तो बाद कुदरती कुछ ऐसा ना होया कि ना तो पता लग गया कि कोई सत्संग हो रहे हैं, संगत जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही, की हो रहा, कुछ भी पता नहीं लग गया। एक डिस्कनेक्ट जहा आ गया और वो डिस्कनेक्ट काफी देर रहा, जो तक मैं गुरु जी का एक ड्रीम नहीं आया जरा मैं एक पिछले सत्संग शेयर किया। गुरु जी आस्ट मी कि जे तू नहीं आएगी तो अपना हिसाब किताब मेरे नाल कर ले तो तू जा। और मैं गुरु जी ने उस ड्रीम में यही पूछ रही हूँ कि गुरु जी मैं कितने आवा, मैं नहीं समझ लग रही मैं कितने आवा, क्योंकि मैं ये नहीं पता सी सत्संग हो रहे हैं, बड़े मंदिर संगत होंगी है, मैं कुछ नहीं पता सी। मैं सिडनी दे विच सी अपनी बेटी दे कोल, माय डॉटर वाज वर्किंग फॉर द सेंट्रल बैंक इन सिडनी। ते पता नहीं उस ड्रीम तो बाद ऐदा गुरु जी दे सत्संग यूट्यूब ते सुनने शुरू कर दिते। उस टाइम ते बड़े घट सत्संग सी, इन्ने नहीं सी जिन्ने अज हैं। एक सत्संग सुनिया जिहदे विच वो कहिंदे हैं कि जे मैं अपनी बेटी नूं कहा कि तू सिडनी दे विच हैगा ते तू सत्संग अटेंड करिया कर, सिडनी विच सत्संग हुंदे हैं। सो आई टोल्ड माई डॉटर सवेरे सवेरे दा टाइम सी, इट वॉज 7th of July गुरु जी का बर्थडे। मैं अपनी बेटी नूं कहा, मैं क्या बच्चे अज गुरु जी का बर्थडे है और मैं सत्संग सुन रही हाँ, दैट मीनस कि सत्संग इत्थे हुंदे हैं, वी मस्ट फाइंड आउट कित्थे हुंदे हैं। कहिंदे मामा हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट नाउ, मैं हूं काम से जा रही हूं, मेरे को टाइम नहीं है। मैं कि कोई ना मैं गूगल करती है, मैं गूगल किया पता लग गया एक फोन नंबर ना, आई गॉट माय डॉटर टू कॉल अपॉन दैट नंबर, उन्होंने नहीं चुकिया। वो कहती मेरी बेटी मैनू कहती कि मामा आज मेरा बहुत बिजी डे एट वर्क है, आज मेरी फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग उस टाइम के 3 महीनों के बीच खोई होंगी सी और उस दिन दैट इज द ओनली टाइम वो लेट होंगी सी काम तो, अदरवाइज वो काम तो कभी लेट नहीं सी होंगी। वो कहती मैंने रात के 10 बजन 10:30 तुम की कर रहे हो, साढ़े तू नहीं जाया जाना। And I said to her, no, you find out कि सत्संग कितने हो रहे हैं। वन थिंग लेड टू द अदर, आई विल कीप इट शॉर्ट, आई नो आई एम अवेयर ऑफ द टाइम। वन थिंग लेड टू द अदर, समय पता लग गया कि सत्संग कितने हो रहे हैं। पर जिस जगह पे सत्संग हो रहे थे दैट वाज द अदर एंड ऑफ द सिटी, उस जिथे असि रह रहे थे उतो घटो घट 60 किलोमीटर दूर सी। और कोई ऐसे जा एरिया नहीं सी जिथे वन वुड फील वेरी सेफ गोइंग एट दैट टाइम। जुलाई दे विच ऑस्ट्रेलिया दे विच ठंड होंदी है, सर्दी होंदी है, एरा छेती पै जांदा। एंड माय डॉटर कॉल्स मी अप एंड शी सेज टू मी कि मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 10 बजे तो पहला फ्री नहीं होना, जो मैं फ्री हो जाऊंगी उठे जाएगा कौन। उस तो एक दिन पहला साड़ी गड्डी का टायर एक साइड तो कॉर्नर उदा फट गया सी और मैं हजे रिप्लेस नहीं कराया सी। कहिंदी असी अपनी कार लेके नहीं जा सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके असी इन्नी दूर नहीं जावांगे क्योंकि सी रात में वापस आना है। सो यू बेटर कैंसल दिस प्रोग्राम, आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। बट आई केप्ट सेइंग नो ज़ोया, इट विल वर्क आउट, गुरु जी की कॉलिंग है, सानू बुला रहे हैं, आप चलते हैं। It got to a point, मैं सिटी पहुंची। जिवें मैं सिटी 4:30 बजे पहुंची, मैंने कहा मैं 4:30 बजे पहुंच जाऊंगी, तू जो 9 बजे फ्री होएंगी रात असि 9 बजे चले जावांगे। ये तो मैंने कॉल आंदी है कि मामा मेरी बॉस ने कहा है हुण जो भी होएगा आप कल नू देखांगे, हुण छुट्टी है। सो बिटवीन 4:15 and 4:30 शी वॉज फ्री। असि जिवें ही स्टेशन पे जाने हैं ऐसा लगता है कि एक ट्रेन आई है जिहड़ी स्पेशली कितने दूर वेट कर रही थी और उन्हें ज्यों ही देखा कि असि दोनों प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं तो ट्रेन आके साडे ते खड़ी हो गई है।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਦ ਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰ ਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਰੇਕਟਰਸ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਲਮ ਅਸੀਂ ਫਾਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਬੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ। ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਡੋਟਰ ਟੈਲਸ ਮੀ, ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ, ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੈਟ ਦਬਾਇਆ ਔਨ ਹਰ ਫੋਨ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਲੂਜਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਸਪਲਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਲੈਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਬਾਲਡ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਪ ਇਨ ਲੇਡੀਜ਼, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਦ ਰਾਈਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਵੈਨਿਊ, ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਦ ਕਾਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵ ਫਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਟਹਿ ਪਿਆ। That was the first time I really grieved
क्योंकि उस टाइम पे जब गुरु जी ने चोला छड़िया से उदो से बाहर से नहीं आए उस टाइम पे फिर मैं तो गॉट अ चांस टू ग्रीव फॉर अवर गुरु पिता बट दैट्स इज द मोमेंट ऑफ अवर ग्रीविंग ऐसी तो मैं फुबोन और मार के रोइया समझ समझ ना आए सुबह सुबह किसी रोइया She wears glasses, I wear glasses, ਸਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੌਣ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਏਦਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੰਦੀਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁਖਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਮੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਤਸੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਆ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਆ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਟੈਪਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਅਸ ਟੂ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਟੂ ਅਵਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਰਨੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜਤਾ ਬਸ ਦੇ ਦੇਣ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ